पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कोटला स्थित देहर खट पर पुल तो तैयार हो गया तथा यातायात को पुल के ऊपर से आवागमन के लिए बहाल भी कर दिया, लेकिन पुल निर्मित करने वाले ठेकेदार को विभाग द्वारा पेमेंट नहीं की गई। कोटला की देहर खट पर उप पुल का निर्माण निर्धारित अवधि मार्च 2019 में तैयार कर दिया गया था, जिससे लोगों ने खुशी जाहिर की थी क्योंकि पुराना अंग्रेजों के जमाने का निर्मित पुल जर्जर हो चुका था, जो कि कभी भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता था। वाहन चालक अपनी जान को जोखिम में डालकर जर्जर पुल से वाहनों को गुजारते थे। नया पुल बनने से वाहन चालकों सहित लोगों की जान में जान आई। इस पुल का निर्माण सरकारी ठेकेदार बीपी शर्मा ने किया था तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य पूरा करने के बाद पुल विभाग के सुपुर्द कर दिया था और बकाया बिल भुगतान के लिए लोक निर्माण विभाग में कागजात और बिल भी प्रस्तुत कर दिए थे, लेकिन 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी पेमेंट नहीं दी जा रही है, जो कि 3.5 करोड़ रुपए बनती है। लोक निर्माण विभाग बकाया राशि देने में आनाकानी कर रहा है। ठेकेदार बीपी शर्मा ने कहा कि मैंने बैंक से कर्ज लेकर पुल को तैयार किया है, लेकिन पेमेंट न मिलने के कारण उसका बैंक में ब्याज भी मैं ही भर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बकाया पेमेंट के लिए जब भी विभाग के पास जाता हूँ तो टालमटोल की जाती है, मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग वाले अधिकारी आते रहते हैं और मात्र फिता लेकर पुल की नाप नपाई करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विभाग द्वारा 1 माह के भीतर मुझे पुल की पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा, जिसकी जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी। इस बारे जे राहुल कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मेरा तबादला हो चुका है और इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जबकि जे राहुल कुमार गत दिवस बुधवार को भी अधिशासी अभियंता की टीम के साथ कोटला के नए पुल पर नाप नपाई कर रहे थे। वही बुधवार को कोटला पुल पर अपनी टीम के साथ आए हुए एनएच विभाग के XENB के धीमान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं बीपी शर्मा, जिसने देरी खड ब्रिज का पुल बनाया है, वो दिसंबर 2018 से चालू कर दिया था, मगर आज दिन तक मेरे को उसका कोई पैसा नहीं मिला है। करीबन 3.5 करोड़ रुपए मैंने सरकार से लेना है और कोई भी पूछता नहीं है कि पैसा किससे लेना है, क्या है। ऐसे ही मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है।